नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री से बहुत ही बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, समीर मार्क टीवी एक्टर का शव उनके घर में पंखे से लटका हुआ मिला है। जी हां दोस्तों, बहुत ही दुख की बात है कि समीर हमारे बीच नहीं रहे हैं। दोस्तों, हम गॉड से प्रे करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और आप भी समीर की आत्मा की शांति के लिए प्रे कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि बॉलीवुड अभी सुशांत सिंह की मौत के सदमे से उभरा भी नहीं था, लेकिन उससे पहले अब टीवी एक्टर समीर शर्मा ने अपनी जिंदगी को पंखे से लटक कर समाप्त कर दी है। पता नहीं बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री को किसकी नजर लग गई है। दोस्तों, साल 2020 में क्या हो रहा है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, समीर शर्मा की मौत का अब तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। दोस्तों, खबर ये भी निकल कर आ रही है कि समीर पिछले कुछ दिनों से बीमार भी थे, लेकिन वही दोस्तों उनकी फैमिली के लोगों ने बताया कि समीर अब बिल्कुल ठीक हो गए थे, इसलिए समीर की मौत की वजह बीमारी नहीं हो सकती है। दोस्तों, वहीं आपको ये भी बता दें कि लाश को देखने के बाद पुलिस का ये कहना है कि शायद समीर ने 2 दिन पहले सुसाइड कमिट किया हो, लेकिन दोस्तों अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। समीर की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है और अब जांच ये की जाएगी आखिर समीर ने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी पुलिस को ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिला है जिससे कि वो यह कह सके ये सुसाइड है। आपको बता दें, समीर बहुत से टीवी शोज में काम कर चुके हैं। समीर सास भी कभी बहुत ही सीरियल में काम कर चुके हैं और अभी भी कई सीरियल में काम कर रहे थे, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे। जी हाँ दोस्तों, पुलिस का कहना है कि पंखे से लटका मिला था शव। हालांकि पुलिस ने अभी ये कंफर्म नहीं किया है कि ये सुसाइड है, क्योंकि कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि ये सुसाइड है। आपको बता दें कि समीर की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है और इसकी पूरी तरह से जांच होगी कि आखिर समीर की मौत के पीछे का सच क्या है। दोस्तों, यही थी आज की छोटी सी बैड न्यूज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। दोस्तों, अगर आप समीर शर्मा के फैन हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और समीर शर्मा से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही।